हेलो फ्रेंड्स, इस बार बैकलिस्ट में हमें बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला। यहाँ पे ब्लडलाइन की टीम से भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला और यहाँ पे केबिल ऑलिंस, रेडल एंड सेमीजेन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे फाइनली ब्लडलाइन की टीम ही जीत जाते हैं। तो क्या कुछ होता है मैच में, तो चलिए जानते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं WWE विद स्ट्रिया। इस मैच में मूव इतना ज़्यादा कमाल के होते हैं, मतलब जिमी उसे जे उसे जिस तरह से किक लगाते हैं और यहाँ पे केबिल ऑलिंस एंड सेमीजेन भी बहुत ज़्यादा ही दमदार फाइट करते हैं। मतलब दोनों की तरफ से ही हमें बेस्ट फाइट देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, सोलो सिकुआ समय स्काइप लगाने वाले होते हैं जे उसो को, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही बहस होने लगती है और उसके बाद सोलो सिकुआ समय स्काइप लगा देते हैं रिडल को और इस मैच यहीं तक ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि भले ब्लड लाइन की टीम जीत चुकी है, लेकिन अब ऐसा लगता है सोलो सिकुआ एंड जे उसो में हो चुकी है दूरियां। अब ऐसा लगता है कि सोलो सिकुआ एंड जे उसो में हो चुकी है दुश्मनी। अब आगे हमें और भी बहुत कुछ देखने का मौका मिल सकता है। तो आपको कौन सा मैच सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे देखते रहिए हमारे चैनल।